हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेज में। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि रिजल्ट का प्रतिशत में कैसे निकालें। सो आप रिजल्ट आते हैं उसमें कैसे हम उसको परसेंटेज पे निकालना सिखा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, जिसमें एक एक स्टेप से आप रिलेटेड सभी ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाए और कोई डाउट्स भी आपको ना हो। जैसे देखिए, आप एग्जामिनेशन में क्या होता है, जैसे आपने एग्जामिनेशन 500 मार्क्स का दिया हुआ है, जिसको हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पे हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। टोटल मार्क जो है वो पूर्णांक कहते हैं, तो जिसे 500 का आप मान लीजिए एग्जामिनेशन हुए, और ऑप्टेंड मार्क आपने उसमें कितने मार्क गेन किए हुए, तो 456 मार्क आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो कितना परसेंटेज निकाले, कैसे हम इसको फाइंड आउट करें, तो बिल्कुल इजी तरीके से बताएंगे, बिल्कुल इजी स्टेप से। इसलिए एक एक स्टेप पे ध्यान दीजिए, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, जिससे ये सभी डाउट्स भी, कोई भी डाउट्स हो वो सब आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। देखिए कैसे सोल्यूशन करेंगे। जो भी आपको मार्क्स दिए जाए तो आप उसमें लिख लीजिए 456 अपॉन, और क्या करना होगा, जैसे देखिए आप लिखा 500, तो सिर्फ यहाँ पे लास्ट के जो 20 है उसे आप हटा दीजिए, तो आप यहाँ पे सिर्फ क्या लिख सकते हैं 5। यानी 5 से क्या करिए, इसमें डिवाइडेशन कर दीजिए, जो भी डिवाइडेशन करके आए उसमें परसेंटेज का साइन लगाइए, उतने परसेंटेज आपके मार्क आ गए। कैसे कर सकते हैं, देखिए 5 1 5 5 9 45, और यहाँ पे देखिए 6 है, तो 5 1 5 5 का डिवाइडेशन 6 में करिए, 5 1 5 कैरी 1 हो गया, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा लीजिए, 5 2 10, तो 91.2% दैट इज द राइट आंसर। इतने मार्क, 5 से डिवाइडेशन करिए ना, 5 9 45 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 6 में डिवाइडेशन कर लेंगे, 5 1 5 कैरी 1 हो गया, तो पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पर और 0 बढ़ा लेंगे, तो 5 2 10, तो 91.2% आपके मार्क आ सकते हैं। अब देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते थे, वो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो 456 अपॉन 500 लिखिए और मल्टीप्लाई यहां पर 100 से आप यहां पे क्या करिए, मल्टीप्लीकेशन कर दिए। यहां पर देखिए 500 की जगह कोई और भी अगर आपके मार्क है, जैसे 800 का मान लीजिए एग्जामिनेशन हो रहा है या 1000 का हो रहा है, तो आप 500 की जगह 1000 लिखेंगे, और जो भी जितने नंबर आएंगे उसे आप न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जो जितने मार्क पेपर है वो आप यहां पर नीचे नोट करेंगे। उसके बाद यहां पर मल्टीप्लीकेशन 100 लगाएंगे और इसके नीचे अपॉन 1 मान लेंगे। अब इसका पूरा सोल्यूशन कर लीजिए, तो इसका भी आंसर वही आने वाला। कैसे करेंगे, देखिए 0 0 कट हो जाएगा, ये भी 0 हम कट कर सकते हैं। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नंबर दिए जाए तो उनको हम कट भी कर सकते हैं, यहां पे 0 0 हमने कट कर दिए। अब देखिए 5 से इसको डिवाइडेशन कर लीजिए, 5 5 5 5 9 45, और यहां पे 6 में 5 5 5 कैरी 1 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 5 2 10, देखिए 91.2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 91.2%, और ये परसेंटेज आप लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 100 नोट कर लिए, दैट इज द राइट आंसर। तो आई होप ये परसेंटेज रिजल्ट का, जो कैसे परसेंटेज निकालते हैं, ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट इस वीडियो में बता दिया है। जो भी मार्क आपको दिए जाए, तो जितने मार्क आए उसे आप न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जितने मार्क का पेपर हो उसे आप नीचे लिखेंगे। जैसे मानी 500, तो सिर्फ 5 लिखकर भी आप यहां पर डायरेक्ट डिवाइड, क्योंकि 0 0 कट हो जाते हैं, तो 5 से आप डायरेक्ट डिवाइड करिए। जैसे मान लीजिए 1000 से, तो 1000 में क्या होगा, 20 कट हो जाएगा, फिर 10 बचेगा नीचे, तो फिर 10 से डिवाइडेशन कर दीजिएगा। 600 हो मान लीजिए, तो आप यहाँ पे 600 में क्या लिखे, 0 0 कट कर दीजिएगा, और 6 से डिवाइडेशन, जितने मार्क आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं उसे 6 में डिवाइडेशन कर दीजिएगा। बस इस तरह के आपको स्टेप क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप ये रिजल्ट का प्रतिशत निकालना आपको समझ में आ गए होंगे, और इस तरह आप अपने रिजल्ट का परसेंटेज निकाल सकते हैं। और भी किस प्रकार के वीडियोस चाहिए आपको, तो नीचे कमेंट में लिखिए किस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें हम आपको अलग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में उनके वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। तो आप नीचे कमेंट पे जरूर दीजिए, वीडियो पसंद आओ लाइक जरूर करिए, चैनल पर जो भी बच्चे नए हो सब्सक्राइब ना करो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन अलग प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।